हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे चेहरे को साफ करने के लिए और धूल मिट्टी को हटाने के लिए हमें क्लेंजर का प्रयोग करना चाहिए अपने चेहरे को साफ करने के लिए। और मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि आपको क्लेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो बाजार से क्लेंजर खरीद सकते हैं या फिर घर पर ही प्राकृतिक क्लेंजर बना सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप खीरे के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज जानते हैं शहद के बारे में कि शहद को आप किस तरीके से अपने चेहरे पर क्लेंजर के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है चेहरे को वॉश करने के लिए। आप चेहरे को वॉश करने के लिए शहद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शहद काफी ज्यादा गाढ़ा या फिर थिक लग रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाकर इसे पतला कर लीजिए और उसके बाद इसे चेहरे पर अच्छे तरीके से मसाज करके अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से चेहरे पर लगी हुई सारी धूल मिट्टी साफ हो जाएगी। टिप नंबर 2, अगर आप शहद का प्रयोग कर रहे हैं चेहरे को क्लेंस करने के लिए, तो चेहरे पर शहद लगाने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से दूध से मसाज कर लीजिए। आप 1 से 2 चम्मच दूध को एक बॉल के अंदर निकालकर उसी से अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहेगी। टिप नंबर 3, जब आप क्लेंजर के तौर पर शहद का प्रयोग कर लें तो चेहरे को साफ करने के लिए तौलिए के बजाय कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपका चेहरा सही तरीके से साफ हो जाएगा और किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। एक बात आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आपको अपने फेस टॉवल्स को दूसरे टॉवल से अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर सारे टॉवल्स एक साथ मैच हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी संक्रमण काफी हद तक बढ़ जाता है। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से तरीके शहद को अपने चेहरे पर क्लेंजर की तरह अप्लाई करने के लिए। इन्हें ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।